मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की ये सामूहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है और उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है, हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है। साथियों, कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है,
हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए
130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेशु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।